क्या आपको पता है कि बैट यानी चमगादड़ इतनी तेज आवाज से ध्वनि निकालते हैं कि हम उन्हें सुन भी नहीं पाते हैं। क्या आपको पता है कि मेंढक के पास भी हमारे जैसे कंठ होता है, बस फर्क उनके स्ट्रक्चर यानी बनावट और उनकी आवाज़ से आ जाता है। तो दिल थाम के सीधे बैठ जाइए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। फायरफ्लाइज यानी झुगनू अपने नेचुरल लाइट को ग्लो करके यानी उसे जला करके अपने साथियों से कम्युनिकेट यानी बातचीत करते हैं, है ना मस्त तरीका। क्रैब यानी केकड़ा अपने पंजे का उपयोग करके फ्लैपिंग और जम्बलिंग साउंड निकालते हैं और उसी पंजे के निकले साउंड यानी आवाज़ से वो आपस में बातचीत कर पाते हैं। आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इसी को बजा करके अपने साथियों से बात करते हैं। बैत यानी चमगादड़ इतनी तेज़ आवाज़ निकालते हैं कि हम उसे सुन भी नहीं सकते हैं। दरअसल वो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं और उसका स्पीड 1 लाख वेव पर सेकेंड होता है और हम केवल 20 to 20,000 वेव्स पर सेकेंड तक का ही आवाज़ सुन पाते हैं। और बैत इसका इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी करते हैं और यही आवाज़ यानी यही अल्ट्रासोनिक साउंड उन्हें किसी भी चीज़ से टकराने से भी बचाती है। जैसे हम और आप अपने कंठ यानी वोकल कॉर्ड का यूज करके आपस में बातचीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार फ्रॉग यानी मेंढक के पास भी अपना कंठ होता है जिसे हम वोकल सैक कहते हैं। बस बनावट और आवाज़ को छोड़कर बाकी सारा चीज़ हम में और उनमें एकदम सेम होता है। जानवरों में सबसे बुद्धिजीवी कहे जाने वाले इंसान कुछ इस तरह कम्युनिकेट यानी बातचीत करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और नीचे रेड रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करोगे ना तो बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना। बस इतना कर देना मेरे भाई। मिलते हैं आपसे एक अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।